नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दिक्लेरी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो जो है हम लोग करेंट अफेयर्स जो अपलोड कर रहे हैं उसका जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। तो वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दिस इज़ द वेबसाइट, जो है आप सर्च करने से जो है आपको आ जाएगा। यहाँ से आप सभी कुछ देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप जाओगे तो दिस इज़ द मेन्यू, आपको होम मिल जाएगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, अगर कोई वीडियो आपने मिस कर दिया है तो यहाँ से देख सकते हो। करेंट अफेयर्स हम लोग जो है आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपका डेली, वीकली एंड मंथली के हिसाब से। उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब में सभी मटेरियल्स जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके साथ आप यहाँ पे जॉब अलर्ट्स में लेटेस्ट वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन, सिलेबस, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट सभी आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आपको करना क्या, आपको डेली में जाना है। डेली में जाओगे तो आपको देखो ये मिल गया, ठीक है। तो दिस इज़ द 12th आज का डेट का है, तो आप इसको अगर क्लिक करोगे तो ये देखो ओपन हो गया। ओपन होने से जो है आपको यहाँ से डायरेक्टली यू कैन डाउनलोड, तो मैंने डाउनलोड कर दिया। तो देखो डाउनलोड करने के बाद जो है मेरा आ गया, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आज का जो है मेजर हाइलाइट्स। तो देखो पहले लास्ट वीडियो का जो क्विज था वो था हु ओन द टाइटल ऑफ RBC कैनेडियन ओपन गोल्फ, तो राइट आंसर हो गया आपका डस्टिन जॉनसन। पहला क्वेश्चन आज का देखो, इन रिसेंट न्यूज़ फ्लोरेंस इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ अमेरिकन हरिकेन है ये। अ मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2018 ये जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है उत्तराखंड में, इंडिया और कौन से कंट्री के बीच, अमेरिका, जापान, चाइना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ अमेरिका। रिसेंटली इंडिया साइन 3 न्यू एग्रीमेंट विद बांग्लादेश विच इंक्लूड्स, उसमें क्या इंक्लूडेड है, तो देखो इसमें सभी जो है ऑल करेक्ट है। रिहेबिलिटेशन होगा कोलाड़ा सावजपुर सेक्शन बांग्लादेश रेलवे का, 500 एक्स्ट्रा मेगा एनर्जी दिया जाएगा बांग्लादेश को, अखोड़ा अगरतला ट्रेन लिंक भी चालू होगा। रिसेंटली अ टेक्निक कॉल्ड सिम से पे हैज़ बीन लॉन्च बाई हुईज बैंक, कौन बैंक ने ये लॉन्च किया है, तो दिस इज लॉन्च बाई येस बैंक। हरियाणा गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट ओर्थ ₹900 विथ विच कंपनी टू सेट अप इथानॉल प्लांट बैठाने के लिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है 900 करोड़ की एग्रीमेंट किससे साइन किया है, तो ये जो हुआ है दैट इज़ IOCL के साथ। विच इंडियन फाइटर प्लेन है सक्सेसफुली टेस्टेड द लिक्विड रिफ्यूलिंग इन द ईयर, मतलब इससे पहले देखो एलिट ग्रुप में इंडिया शामिल हो चुका है, इससे पहले जो है इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं था जो आपको ईयर टू ईयर रिफ्यूलिंग का, लेकिन ये अभी आ गया है। और ये किससे हुआ है, तेजस MK1, आंसर ए। द नोमैडिक एलिफेंट 2018 स्टार्ट हुआ है उलनबटूर, ये भी याद रखना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और ये ऑर्गेनाइज हो रहा है किसके बीच, तो ये जो हो रहा है इंडिया इंडो मंगोलिया, मतलब इंडियन मंगोलिया के बीच हो रहा है। रिसेंटली द इंटरनेशनल इरीगेशन एंड कैनल कमीशन हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ हेरिटेज इरीगेशन प्रोजेक्ट टू प्लेसेज ऑफ विच स्टेट, को दो प्लेस दिया गया कौन से स्टेट का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। वेयर द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एक्विडेशन WASA 2018 रिसेंटली हुआ है, तो ये जो हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है। हुई स्टेट हैज स्टार्टेड द मिशन विद्या योजना, किसने, कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो दिस इज स्टार्टेड बाई गुजरात। वेयर फर्स्ट रीजनल वर्कशॉप ऑफ रेरा, मतलब रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट हेल्ड रिसेंटली, तो ये जो हुआ है आपको बताना है, तो ये हुआ है आपका पुणे में। हु सोन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, किसको किसने जो है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल के बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस ओम प्रकाश मिश्रा। और हु हैज अपॉइंटेड एज स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ असम, किसको अपॉइंट किया गया है, तो दिस इज हिमा दास को अपॉइंट किया। और आज का क्विज जरूर मुझे कॉमेंट करके बताना, तो राइट आंसर इज उसका राइट आंसर क्या होगा बताना। तो बुक जो है नो स्पिन ये किसने लिखा है, विराट कोहली, VVS लक्ष्मण, सेन वन या नन ऑफ दिस, आपको जरूर मुझे कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कर लेना, बाय बाय।